आज एक बाप होने की हैसियत से मैं ये तुझे हुक्म देता हूं कि तुझे माही से शादी करनी होगी। नहीं खुराना साहब, नहीं, ये शादी नहीं, समझौता होगा। और एक समझौते पे इतने बड़े रिश्ते की बुनियाद नहीं रखी जा सकती। मल्होत्रा साहब, इन बच्चों को तो क्या इन्हें हम मनमानी करने दें? नहीं खुराना साहब, हमें इनके मन का मान रखना चाहिए। अच्छा किया पुत्र, बहुत अच्छा किया जो ये सब पहले ही बतला दिया। मुझे तुझसे कोई शिकायत नहीं। रंगों का कारखाना है मेरा, इतना तो समझता हूं कि चुन्नी कोरी रह जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन उस पर एक बारी अगर रंग चढ़ गया ना तो फिर नहीं उतरता वो। पापा जी, वीर पुत्र, तुझे क्या हो गया है? तू क्यों परेशान होता है? तो रिश्ते की बातें होती हैं, रिश्ता होता है या नहीं होता? हाँ पापा जी, लेकिन वो रिश्ते की बातें अनजान लोगों में होती हैं। जहां रिश्तों की जान पहचान होती है ना, वहां उनकी तकलीफ का अंदाजा भी होता है। ऐसा बिल्कुल मत सोचना वीर। दुर्गा बहन जी ने बिल्कुल सही कहा, ये तो संयोग की बातें होती हैं। नहीं, तुझे इस तरह से रोता देख के मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। बता ना, क्या कहा उस जीत ने तुझसे? बोलती क्यों नहीं? मुझे पता है पुत्र, इस वक्त तुझे कैसा लग रहा होगा, लेकिन पुत्र तू अपने आप को कसूर मत देना। ये तो होनी है पुत्र। मुझे माफ कर दीजिए। ना पुत्र ना, ना जीत पुत्र, उठ जा पुत्र, उठ जा, उठ जा, मत रो, रो मत पुत्र। देख, तूने मुझसे ना कहा, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा, लेकिन इस तरह रोएगा तो मैं सच में बुरा मान जाऊंगा। क्या चुप हो जाए? भाभी, आप सिर्फ मेरी भाभी नहीं, उस लड़की की बड़ी बहन भी, जिसका मैंने दिल तोड़ा है, मैं आपका भी गुनहगार हूं। मुझे माफ कर दीजिए। बस, पहले तो एक बात कि तुमने कोई गुनाह नहीं किया, वो तो बस गलत फहमी थी। माही, मैं समझ गई हूँ, तू मुझे कुछ नहीं बताने वाली। अगर तूने मुझे नहीं बताया ना तो मैं खुद जाके जीत से पूछ लूंगी, समझी? कुराना साहब, ये शगन का थाल रब की मंजूरी के आगे हमारा जोर ही कहां चलता। मल्होत्रा साहब, जब मैं ये शगन का थाल लेके आया था ना, बहुत हल्का लग रहा था,
अब अचानक ही बहुत भारी हो गया ये थाल। इस थाल पर आपके आंसुओं का बोझ भी शामिल हो गया, उसे हटा दीजिए। बहुत पूछ लिया मैंने तुझसे, लेकिन तू मुझे बताने के लिए कुछ तैयार ही नहीं है। तूने अगर मुझे नहीं बताया तो मैं खुद जाके पूछ लूंगी। चल मेरे साथ, चल मेरे साथ। बताती क्यों नहीं माही? मैं सच्ची में जाके जीत से पूछ लूंगी। मैं तुझे यहाँ पे अकेला छोड़ के नहीं जाने वाली। चल चल। ये सब क्या हो गया? मैं तो इतनी खुश थी इस रिश्ते से लेकर। और माही तो मुझे हमेशा से पसंद थी। मैंने तो पहले भी उसका हाथ मांगा था, पर भगवान को भी शायद यही मंजूर था। मेरा तो दिल बैठा जा रहा है आप लोगों के बारे में सोच सोच कर कि आपको कैसा लग रहा होगा। एक बेटी का रिश्ता लौट जाना क्या होता है मैं समझ सकती हूँ, बिल्कुल समझ सकती हूँ। हम भी तो बेटी वाले हैं। क्या हो गया ये सब? मुझसे तो बहन जी बर्दाश्त ही नहीं होता। हे भगवान, भाई साहब, शायद हमारी किस्मत ही खराब थी जो ये रिश्ता नहीं हुआ। लेकिन अब कोई कर भी क्या सकता है। अब मैं नहीं चाहती कि हमारे यहाँ रहने से मल्होत्रा भाई साहब और उनके परिवार की तकलीफें और बढ़े। अब क्यों जी, अब लगता है हमें चलना चाहिए। राजी, तुम यहीं रुक जाओ। कहो तो मैं भी। नहीं, आपको जाने की तैयारी भी करनी होगी। अब जाइए। मोनी, नहीं नहीं मल्होत्रा साहब, आप रहने दीजिए ना। ये रिश्ता नहीं हुआ तो क्या हुआ? सामती तो हम है ही ना। हालात कैसे भी हो, हम अपना फर्ज तो नहीं भूल सकते। माही पुत्र, बहुत अफसोस हुआ जो भी हुआ, लेकिन तुम तो जानती हो कि इसमें किसी की भी कोई गलती नहीं थी। लेकिन फिर भी मैं हम सब की तरफ से तुमसे माफी मांगती हूँ। मेरा जीत है ना, इतना पोला है ना कि ऐसी नादानी कर बैठा। बेटा, अपनी बहन का ख्याल रखना। इतने बड़े दुख के बाद उसे संभालने की जरूरत पड़ेगी। और वैसे भी ऐसे मामलों में अक्सर बहनों में गलतफहमी तो हो जाया करती है। अब क्या करें? देखना, तुम दोनों प्यार से रहना। हाय रब्बा, ये तकदीर भी ना अजीब होती है, कैसे कैसे खेल खेलती है ना। एक बहन की वजह से दूसरी बहन का रिश्ता टूट गया।
हाय, अब क्या कर सकता है? चलें? हाँ, चलें, बिल्कुल। की वजह से दूसरी बहन का रिश्ता टूट गया। दादी जी, वो दुर्गा आंटी ने ऐसा क्यों कहा कि एक बहन की वजह से दूसरी बहन का रिश्ता टूट गया? क्या मतलब था उनका? उन्होंने ये क्यों कहा कि एक बहन की वजह से दूसरी बहन का रिश्ता टूट गया? मैंने माही का रिश्ता तोड़ दिया? बताइए ना, क्यों कहा दुर्गा आंटी ने ऐसा? नहीं पुत्र, ऐसी तो कोई बात नहीं। कैसे कोई बात नहीं है मम्मी जी? मैंने सुना, अपने कानों से सुना जो उन्होंने कहा। कहा उन्होंने? बताइए ना मम्मी जी, क्या बात है? क्या माही का रिश्ता मैंने तोड़ दिया? नहीं सोनी, ये तो क्या पूछ रही है? तेरी वजह से माही की शादी टूट सकती है क्या? वो सब मैं कुछ नहीं जानती, मुझे सिर्फ मेरा जवाब चाहिए। पुत्र, जिद नहीं करते। कैसे जिद नहीं करते डैडी जी? ये माही की जिंदगी का सवाल है, इस बात पे तो मैं जिद करूंगी। मैं जानती हूँ कि माही उससे कितना प्यार करती है, और इस बात की मैं गवाह हूँ कि जीत भी उसे चाहता है। अब क्या अचानक से ऐसा हो गया कि अब जीत माही से शादी नहीं करना चाहता? क्या बात है डैडी जी? पुत्र, ये बात तो जीत ही जानता है। नहीं, पता तो माही को भी है, उसने कहा है इससे, तभी से तो ये रोए जा रही है, ये कह के कि अब जीत उससे शादी नहीं करना चाहता, उससे प्यार नहीं करता। लेकिन ये बता नहीं रही, और अब तो आप लोगों को भी पता है, लेकिन सिर्फ मुझे को नहीं बता रहे। ऐसा क्या हो गया डैडी जी? ठीक है, मत बताइए, कोई मत बताइए। उसने ऐसे कैसे कह दिया कि वो माही से प्यार नहीं करता? अगर वो माही से प्यार नहीं करता तो किससे प्यार करता है? तुझसे। उन्हें जीत तुझसे प्यार करता है। ये सरासर गलत है पुत्र, कि माही का रिश्ता तेरी वजह से टूटा है।
ये गलत फहमी की वजह से टूटा है, पर उस गलत फहमी की वजह तो मैं हमारी बच्चियों को पता नहीं किसकी नजर लग गई। दूसरे लोगों के साथ तो ऐसा होता है कि हर गम के साथ खुशियां आती हैं, लेकिन हमारे साथ जरा सी भी खुशी मिलती है तो साथ ये आंसू बरस पड़ते हैं। मोनी, ये दुनिया बनाने वाला ना दुनिया चलाना भी जानता है, उसने कुछ सोच कर ही हमारे लिए ये फैसला किया होगा। वो तो कर्मों के तराजू में सब तोलता है, तो फिर हमसे कौन से पाप हो गए हैं जिनकी सजा हमारी बच्चियों को भुगतनी पड़ रही है। पिछले जन्म के कर्म होंगे मोनी, ये ऊपर वाला अपने हिसाब का बड़ा पक्का है, कई जन्मों में ही सही अपना हिसाब वसूल कर लेता है। उससे यह दुआ जरूर है कि अगर हमें कोई हिसाब चुकाना है तो अगले जन्म में हमारे बच्चों को किसी और कार में पैदा कर। नहीं डैडी जी, अगर उसने आपकी यह दुआ कबूल भी की तो मैं दुआ करूंगी कि मुझे अगला जन्म ही ना दे। माही पुत्र, ये रिश्ता नहीं हुआ तो क्या हुआ? हम अपनी गुड़िया के लिए इससे भी अच्छा रिश्ता लेकर आएंगे। हाँ, और वैसे बिना पुत्र कहते हैं ना कि उससे शादी नहीं करनी चाहिए जिससे आप प्यार करते हो, शादी तो उससे करनी चाहिए जो आपसे प्यार करता हो। देखना पुत्र, आज के बाद मेरा एक ही काम होगा, अपनी गुड़िया के लिए एक ऐसे राजकुमार की तलाश करना जो पिछली सारी बातें भुला दे, है ना? जाने दो उसे मोनी, जाने दो। जब तक उसके दिल का गुबार आंसू बनकर नहीं निकलेगा चैन नहीं मिलेगा उसे। लेकिन हमारी बच्ची नाजुक है, हम हमेशा तो इसके साथ नहीं रह पाएंगे ना। अकेले दुख झेलना सीख जाएगी तो दुनिया की हर तकलीफ से लड़ने की हिम्मत आ जाएगी इसमें। हे माता रानी, मेरी बच्ची को इस इम्तिहान की घड़ी को सहने की शक्ति दे। मां शक्ति दे।